जैसे पहले एनआरसी और सीएबी सीएए का क्या मतलब है? द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारतीय नागरिकता नागरिक रजिस्टर, ये इसका मतलब है। सीएबी का मतलब है नागरिक संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन बिल। बाद में ये सीएए हो गया है, इसका मतलब है कि नागरिक संशोधन एक्ट, ये अब एक्ट बन गया। पहले इसको बिल लेके आए थे, सीएबी बिल लेके आए थे, अब ये बिल राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी तुरंत उसमें, तो उसके बाद से ये बन गया एक्ट। तो ये है दोनों का जो परिभाषा जिसको हमारे साथियों को समझना है। एनआरसी का जो है ये असम में जो है एनआरसी लागू किया गया, असम का विवाद बहुत ही अलग अलग तरीके से था, तो ये नेशनल रजिस्टर में वहाँ पे बहुत बड़ा प्रक्रिया हुआ, जिस प्रक्रिया के बाद से वहाँ पे टोटल दो प्रक्रिया के बाद से लगभग 19 लाख लोगों को ये कहा गया कि ये नागरिकता भारत देश के नागरिक नहीं है, जिनको जो डिटेंशन कैंप है, जो कैंप बनाए गए हैं उस कैंप में रखा गया, सरकार ने वो कैंप बनाए हैं और उस कैंपों में शरणार्थी के हिसाब से इन नागरिकों को रखा गया है। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें विदेशी नागरिक भी हैं, इसमें सब तरीके के लोग हैं जो इसमें रजिस्टर्ड, इसमें एनआरसी में बाहर निकले हैं। एनआरसी में जो लोग निकल रहे हैं उनका जो संपत्ति है वो सरकार ने जब्त कर लिया है, और उनका जो है उनको कोई राइट्स नहीं है, वोट देने का राइट्स नहीं है, उनको सरकार का कोई योजना लेने का राइट्स नहीं है, और सारे राइट्स उनके सरकारों ने खत्म कर दिए हैं, और वो एक केंद्र बना दिए हैं जिसमें उनको वहाँ रख दिया है, और केंद्रों की हालत बहुत बुरी, अमानवीय हालत है जिसमें वो रह रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिसके साथ भी ये जाता है वहाँ तो उसका जिंदगी का सब कुछ छिन जाता है। आज हमारे पास सारा कुछ है और हमको अगर ये कह दिया जाए कि आप भारत देश के नागरिक नहीं है इस एनआरसी के साथ, तो हमारे पास जो धन दौलत है, जो हमारा मकान है, घर है, संपत्ति है, वो सारा हमारा छीन लिया जाएगा और हमको उस कैंप में जाके रख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको अब हमारे इस भारत देश का जो भी सरकार है, जो भी संपत्ति है, जो भी संविधान का नियम है, उससे आपकी कोई भागीदारी नहीं है। ये असम में हो चुका है। तो ये एनआरसी है जिसका हमारे सारे साथी, हमारा पूरा देश विरोध कर रहा है, और इसको बीजेपी और आरएसएस इस एनआरसी को पूरे देश में ला करके हिंदू मुसलमान का जो पॉलिटिक्स है उसको वो रंग देना चाहते हैं, जिसको आगे के वीडियो में हम समझाएंगे, आप उसको और सुनना। तो ये एनआरसी और सीएए क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसमें जो सीएए है, ये नागरिकता जो हमारी भारत का है उसमें एक संशोधन का बिल है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारे देश के में जो तीन देशों से, पड़ोसी देशों से, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, वो हमारे देश में शरणार्थी के रूप में आए हैं 2014 से पहले के जो लोग आए हैं, उनको भारत देश जो है नागरिकता देगा। उसमें मुस्लिम्स को छोड़ा है इन्होंने, उसमें मुस्लिम्स नहीं है, और मुस्लिम्स नहीं है ये कह के छोड़ा है कि तीनों देश मुस्लिम्स बहुसंख्यक देश हैं, इसलिए मुस्लिमों को हम नागरिकता इस बिल के माध्यम से नहीं दे रहे, मुस्लिमों को छोड़ा हुआ है। ये है सीएए जिसके ऊपर ये सारा विवाद चल रहा है। इस कारण से हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगे, क्योंकि गुमराह करने का आरएसएस झूठ बहुत बोलते हैं, उनके सारे कार्यकर्ता झूठ बहुत बोलते हैं, खड़े खड़े झूठ बोलते हैं, और झूठ इतनी ताकत से बोलते हैं कि ऑलरेडी नॉर्मल आदमी तो झूठ को पकड़ नहीं पाता है, तो समय लग सकता है। मगर जब भी इस पूरे एक्ट को बना भी लेंगे, पारित भी कर लेंगे, जब लागू करेंगे तब पूरा देश में उपद्रव हो जाएगा, जैसा अभी हो रहा है। इसको देश कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा देश का विविधता यही है, ये हमको साथियों समझना है। वो आपसे मेरी अपील है कि सीरीज के सारे वीडियो आप सुने, मैं कोशिश करूंगा छोटे से छोटे वीडियो बने,
और आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें ताकि हमारे आम आदमी भी, आम साथी भी सारी चाहतों को समझ सके। साथी थैंक यू, साथी धन्यवाद, थैंक यू।